हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो रियल स्टेट ट्रेनिंग और एक्सपर्ट एडवाइस इन रियल स्टेट देने का काम करता है। और मैं हूं राजवंत सिंह भाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का जो टॉपिक है ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब चादर देखकर पैर पसारें, इसके ऊपर है। मैंने अपने पास से लिखा है, क्या गरीब सारी उम्र गरीब ही रहेगा? भाई गरीब को या मिडिल क्लास जो बंदे हैं, क्या उनको कोई तरक्की करने की या थोड़ा पैसा कमाने की कोई आजादी नहीं? कोई उनके को पास खुल नहीं है, कोई उनके पास मौके नहीं है। उनको ये बात सुना के कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, चादर देख के पैर पसारो, ये कह के उनके सपनों को ही कत्ल कर दिया गया। भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या चादर बड़ी नहीं की जा सकती? लोगों ने चादर बड़ी की है या नहीं की, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और ये चादर बड़ी करनी बहुत ही जरूरी है। पहले आदमी एक है, उसके बाद यदि उसी चादर में बात करें तो फिर उसकी शादी होती है, दो हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, चार हो जाते हैं, किन्हों के उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक चादर में उसका गुजारा कैसे हो सकता है? उस परिवार का गुजारा हो ही नहीं सकता। उसको चादर को बड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि वो चादर बड़ी नहीं करेगा तो वो जिंदगी जिएगा नहीं, वो जिंदगी काटनी पड़ेगी उसको। वो बार बार यही सोचेगा कि मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज कर करके वो आदमी अपने आप को नीचे से नीचे ही लाता जाएगा। क्या ऐसी बात स्कूलों में पढ़ाई नहीं जा सकती कि भाई आपने अपनी चादर का साइज बड़ा करें, जो कि अति जरूरी है? स्कूल कॉलेजों में ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है, लेकिन हमारी सरकारें हमारे प्रति ईमानदार नहीं है। वो नहीं चाहती कि हमें वो शिक्षा दे के आगे बढ़ाएं, वो हमें वोट बैंक से बिना कुछ नहीं समझती। यही दुर्भाग्य है भारत का कि इसको 75 साल के आसपास हो गए हैं आप आजाद हुए को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि ये हो रहा है कि जो लोग यहाँ इंडिया में बैठे हैं, अब खास करके पंजाब में, ये तो माइग्रेट होकर फिर अंग्रेजों के पास जा रही हैं। यदि अंग्रेजों के पास जाके ही काम करना था तो अंग्रेज यही भले थे फिर तो। कारण ये है, और ये उनको बता दिया जाता है कि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, तुमने अपनी चादर से बाहर पैर नहीं पसारने, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। ठीक है, मैं भी कहता हूँ अपनी आमदन से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, लेकिन आमदन बढ़ाई तो जा सकती है ना। आमदन बढ़ाएंगे कैसे? उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, उनको शिक्षा देनी पड़ेगी कि आप इस तरीके के नहीं, इस तरीके से करो काम। उनको प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो देने पड़ेंगे, लेकिन वो हम नहीं देना चाहते। हमारी सरकारें, अभी वोटों के दिन है, पंजाब में इलेक्शन का चल रहा है, कभी कोई आदमी, कोई पार्टी, कोई आके अनाउंस कर देते कि हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे। जितना मर्जी फ्री दे दो, लेकिन आप फ्री देने की आदत डाल के ये समझो कि आप उनको गरीब रखने की ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनको गेहूं दिया जाता है, उसको दाल पत्ती दी जाती, क्या वो हाई क्वालिटी की होती है? बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल हाई क्वालिटी की नहीं होती वो, बिल्कुल कई बार इस तरीके की मतलब उनको गेहूं सप्लाई की जाती है जिसको पशु भी नहीं खा सकते। सो दोस्तों, हमने सरकारों पर नहीं रहना। ये जो झूठी बातें लिखी हुई, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये झूठी बात है। आपने अपनी चादर का साइज बड़ा करना जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है? ये मैंने 5-6 पॉइंट लिखे हैं अपने। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इस पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। जितना आदमी पैसा कमा रहा है, यदि उसी चादर में ही काम करने की कोशिश करेगा तो उसके पास कुछ भी नहीं हो पाएगा। बच्चों की पढ़ाई, स्कूल का खर्चा, राशन का खर्चा, बिजली के बिल, एसी के बिल, कारों के खर्चे, पता नहीं कहां कहां जाके क्या क्या खर्चे हो रहे हैं। उसके बाद फिर कार बाइक, मैंने लिखा है इसमें,
कोई भी साधारण से साधारण कार ले लो, यदि आप उसको चलाते हो, डेली चलाते हो, डेली यूज करते हो, तो ये समझ के चलो 500 रुपए का मिनिमम ईंधन उसमें लगता है, डीजल या पेट्रोल 500 रुपए का। यदि 500 का ईंधन उसमें लगेगा तो ये समझो 15,000 रुपए महीने का तो आपका तेल ही चला गया, उसमें ईंधन ही चला गया। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, और कई कुछ है उसमें, मतलब उसकी मरम्मत है, टायर घिसने उसके, तो ये इस चीज के पूरा करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी चादर का साइज बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा मोबाइल फोन पर मेंबर्स, पर मेंबर का मतलब जितने घर में बंदे, जितने घर में मेंबर, उतने ही मोबाइल फोन, लाख लाख सवा सवा लाख रुपए के फोन। चलो हमारे जैसे आदमी जिनको आईफोन नहीं चलाते या लिया नहीं, वो 20-30 हज़ार रुपए के फोन, 2 साल से ज्यादा लाइफ नहीं है फोन की, जो 1 लाख रुपए के फोन लेते हैं, सवा सवा लाख, 1.5-1.5 लाख के फोन ले रहे हैं, तो उनकी यदि साल 1.5-2 साल ही मतलब उनकी लाइफ है फोन की, तो आप समझ सकते हो कि कितना उनको खर्चा करना पड़ रहा है। तो इतना खर्चा करने के बाद वो कैसे उस चादर में गुजारा कर सकते हैं जो उसको पहले मिली है? उस चादर में गुजारा नहीं हो सकता, चादर बड़ी करनी ही पड़ेगी, चाहे उसमें आप टाकी लगाओ, चाहे उसको चादर को बदल के बड़ी करो। उसके बाद मैंने लिखा है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कितना महंगा हो गया, कितनी मतलब महंगी पढ़ाई है, और पढ़ाई के बाद क्या है, रोजगार जीरो, कितने बंदों को नौकरी मिल रही है, जिसको हम सरकारी नौकरी कहते हैं, सरकारी नौकरी लेने का हर बंदा चाहवान है, लेकिन सरकारी नौकरी मिलती कहाँ है, ये भी तो देखने वाली बात है। उसके बाद मैंने लिखा है कुल्ली गुल्ली जुली, ये मैं बार बार कहता हूँ, ये बेसिक नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। अब कुल्ली का मतलब है घर, गुल्ली का मतलब है कोई दुकानदारी, ये जुली का मतलब है कपड़ा। कुल्ली बनाने के लिए जो प्लॉट हम लेना चाहते हैं, जो घर बनाने के लिए हम प्लॉट लेंगे लेना चाहेंगे, तो वो कितने मतलब कितने लाखों रुपए का प्लॉट है। जब हम बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे, ये लाखों रुपए चाहिए घर बनाने के लिए, लाखों रुपए चाहिए, अच्छा घर बनाने के लिए 2-2.5 करोड़ रुपया लग जाता है। तो 2-2.5 करोड़ रुपया लगाने के लिए यदि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट यही नहीं पूरी कर सकते, तो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी को, जिंदगी का लुत्फ ले सकते हैं, कैसे हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं? हम तो जिंदगी काटने के लिए आएंगे फिर। ये जो मिडिल क्लास बंदे हैं, जो गरीब है, वो इसका मतलब जीवन काट रहे हैं, जीवन जी नहीं रहे, वो उनकी कोई मर्जी की जिंदगी नहीं है, वो सिर्फ समझौते की जिंदगी जी रहे हैं। और फिर मैंने लिखा है इसमें एंड मोर सोशल एक्सपेंसेस, इसके बिना ब्याह शादी आ गई, किसी की डेथ हो गई, किसी को कुछ आ गया, कोई बीमार हो गया, कोई और हो गया, तो कितने खर्चे हैं यार। हम एक चादर जो हमें पहले दी गई है, जो हमारे पास इतनी सारी इनकम है, तो उस इनकम में हम कैसे गुजारा कर सकते हैं? हमें बताना ये चाहिए, पढ़ाना ये चाहिए कि हमने अपनी चादर को बड़ी कैसे करना है, बल्कि वो बताने के बजाय ये हमें एक मैसेज दे दिया जाता है जब हम 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, कि अपनी चादर में ही रहें, चादर से ज़्यादा पैर मत पसारें, नहीं तो आप परेशान होंगे। दूसरे नंबर पर, यह तो आपकी किस्मत ही ऐसी है, ये पिछले जन्मों का फल है, ये पिछले जन्मों का फल नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो नेता बेईमान भ्रष्ट नेता हैं, उनकी पॉलिसियों का फल है, ये हमारे पिछले जन्मों का फल नहीं है, ये इसी जन्म का इन लोगों का दिया हुआ फल है। दूसरे आप कंट्रीज में जाओ, कितने खुशहाल लोग हैं, लेकिन यही सारे बेईमान लीडर इकट्ठे हुए हैं। सो आपने इस कोट को, इस प्रवर्ब को पढ़ना है, पढ़ के छोड़ देना है, मैं तो कहता हूँ इसको काट ही देना है, बेस बस ये खत्म कर देना है इसको, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, अपनी चादर देख के पैर पसारो, चादर को बड़ा करना ही पड़ेगा, चादर का साइज बड़ा करें, जो अति जरूरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो आपको लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज जीना पड़ेगा, आपको जिंदगी काटनी पड़ेगी, जी नहीं सकते, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस तक आप जा ही नहीं सकते। आपको कभी किसी चीज़ का प्रेशर, कभी बिलों का प्रेशर, कभी बच्चों की फीस का प्रेशर, कभी कार की किस्त का प्रेशर, हर समय आप प्रेशर में रहोगे। सो दोस्तों आज के लिए इतनी, बस ये वीडियो के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी चादर बड़ी करने की बात सोचें, यदि आप अपनी चादर बड़ी करोगे तभी जिंदगी को जी पाओगे, नहीं तो जिंदगी जीनी ही मुश्किल हो जाएगी।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और इसके ऊपर चर्चा कर लेना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। प्रॉपर्टी गुरुकुल ऐसा चैनल है जो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देता है और रियल स्टेट एजुकेशन के ऊपर जोर देता है। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते जाएं। इन चीजों को जो मेंटल ब्लॉकेज करती हैं, इनको इनकी मेंटल ब्लॉकेज तोड़ते जाएं। मिलता हूं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। राजवंत सिंह मोहाली, थैंक यू।